वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बादाम का सेवन हमें किस तरह से करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, सूखा बादाम खाना चाहिए या फिर पानी में भिगा हुआ बादाम खाना चाहिए, बादाम का छिलका उतार कर खाना चाहिए कि छिलके सहित ही हमें बादाम को खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि बादाम का सेवन हमें किस रूप में करें कि हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। बादाम एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है दोस्तों। डेली बादाम खाने से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि आपको बादाम खाना शुरू करना है तो किस तरह से आप लें। स्टार्टिंग में तो दोस्तों 4 से 5 बादाम से ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना लें। तो आप यदि सही तरीके से बादाम का सेवन करेंगे तो ही आपको इसका सही फ़ायदा मिल सकेगा। बादाम को आपको रात भर पानी में भिगाकर रखना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 बादाम लेना है। रात भर आप उसे पानी में भिगाकर रख दें। सुबह उठकर उस बादाम का छिलका उतारकर ही आपको खाना है। दोस्तों, बादाम के छिलके में टैनिन नामक तत्व होता है और ये जो टैनिन नामक तत्व होता है वो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। पाचन तंत्र को हमारे मतलब पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है यदि हम छिलके सहित बादाम का सेवन करते हैं। तो आपको रात भर भीगे हुए बादाम को सुबह छिलका उतार कर चबा चबा कर खाना है। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और बादाम के जो सारे फ़ायदे हैं, जो बादाम के सारे गुण हैं, वो आपके शरीर में आ पाएंगे। तो ये देखें, बहुत अच्छी तरह से पानी में भीग चुका है और जैसे ही पानी में भीगे बादाम को हम दबाते हैं तुरंत ही इसका छिलका उतर जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बादाम में ऐसा क्या है कि यह इतना ताकतवर माना गया है। भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है बादाम में, फाइबर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, हाई प्रोटीन होता है बादाम में, कॉपर, जिंक, विटामिन ई, बायोटिन और मैग्नीशियम होता है। तो 4 से 5 बादाम खाना आप शुरू कर दें, पानी से भिगा हुआ बादाम। दोस्तों, उसके अलावा बादाम खाने से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो बादाम हम खाते हैं तो हमारे शरीर को बादाम डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। साथ ही साथ बादाम खाने से जिन्हें हाई बीपी है दोस्तों, बीपी कंट्रोल होता है, हड्डियों का दर्द है, चाहे वह घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो दोस्तों, या फिर हमारे कंधे का दर्द हो, हड्डियों के दर्द से निजात मिलती है यदि हम रोज़ 4 से 5 भीगे हुए बादाम खाते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें भी 3 से 4 बादाम का सेवन ज़रूर करना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे। जो डायबिटिक पेशेंट हैं दोस्तों, जिन्हें शुगर की बीमारी है, उन्हें भी यह ज़रूर खाना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, बादाम खाने से हमारे स्किन अच्छी रहती है, हमारी त्वचा में निखार आता है, हमारे बाल अच्छे रहते हैं, बालों का झड़ना कम होता है, बाल जड़ से मजबूत होते हैं। तो इतनी बीमारियों से बचाव करता है। साथ ही साथ दोस्तों, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाव करता है बादाम। तो पानी में भिगा हुआ बादाम लें, कोशिश करें दोस्तों कि बादाम खाएँ। और यदि आप 1 गिलास दूध पीते हैं दोस्तों, तब तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। वजन कम करना चाहते हैं दोस्तों तो कभी भी मलाई वाला दूध ना पिएं। आपने देखा, मैंने बर्तन में से मलाई को बिल्कुल किनारे हटा दिया है। फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कभी ना करें। वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप अच्छा मलाईदार दूध, फुल फैट मिल्क ले सकते हैं। या बहुत से लोगों को दूध सूट नहीं करता है तो वो सिर्फ पानी के साथ भी ले सकते हैं। सुबह उठकर नाश्ता करने से पहले दोस्तों 4 बादाम खाएं। पानी में भिगे छिलके उतरे हुए बादाम को खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। फिर आप 1 गिलास पानी भी पी सकते हैं यदि आप दूध पीना नहीं चाहते हैं, परंतु बादाम आप ज़रूर खाएं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। जिन लोगों को पथरी या जिसे हम इंग्लिश में स्टोन बोलते हैं, किडनी स्टोन, ये गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है, उन्हें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पथरी की समस्या बढ़ जाती है। और बाकी चाहे बच्चे हो, बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, 3 से 4 बादाम ज़रूर खाएं, पानी में भिगे हुए खाएं दोस्तों। इससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है, मेमोरी भी शार्प होती है। और बच्चों को तो ज़रूर ज़रूर दें, याददाश्त बढ़ती है और हमारी दिमागी ताकत बढ़ती है बादाम को खाने से। तो दोस्तों, बादाम जो है
कई तरीके के लिए खाया जाता है। कई लोग वजन कम करने के लिए भी खाते हैं। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं दोस्तों, वे लोग बादाम का सेवन सुबह ही करें, ताकि बादाम खाने से, क्योंकि बादाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, और जब आप बादाम खाएंगे दोस्तों तो इसमें इतना फाइबर होता है, इससे आपका पेट भरा भरा सा रहेगा। पेट भरा रहेगा तो हमें भूख कम लगेगी और हम ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। तो बादाम खाने का पूरा फायदा आपको मिलेगा यदि आप सुबह के समय खाते हैं। बढ़िया। अच्छा, जो लोग जिम जाते हैं दोस्तों, वे जिम करने से पहले खाएँ या जिम के बाद में खाएँ, क्योंकि उन्हें भी हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एक गिलास दूध के साथ खाएँ। आप चाहें तो बादाम का शेक बना लें। इसी दूध में आप बादाम को बारीक बारीक काट कर ग्राइंडिंग जार में डालकर बढ़िया अच्छा बादाम शेक बना सकते हैं जिम जाने वाले लोग, या फिर आप चबा चबा कर खाएं और एक गिलास दूध पिए। परंतु बादाम को रोज के अपने डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करें। आपका शरीर भी डिटॉक्सीफाई होगा और आपको खुद को, आपके शरीर में ताजगी महसूस होगी। हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, आपको इससे राहत मिलेगी। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बादाम खाने से हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, हमारे हेल्थ के लिए बादाम बहुत ही आवश्यक है। तो वेट